क्या नाम है आपका? मेरा शबनम। शबनम, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, मेरा देवर आया, आने के बाद में गेट बंद किया, आगे पूछता तुम्हारा आदमी कितने बजे आएगा, मैं बोलते अभी तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। मेरे घर में 2 बच्चे, 2 साल की लड़की और 7 साल का लड़का था। आया अंदर किचन में, गया अदरक लहसुन की कोटनी के लिए, इतना कोटनी वो उठाया, उठाने के बाद में बोल रही इसका क्या करेगा, बोले तुम्हें जान से मारने आया हूँ। उसने उठा के, मैं उसके हाथ में से छीन नहीं थी, लेकिन उसने मुझे हाथ में वो होने नहीं दिया, मेरे उठा के गला पकड़ के पलंग पे एकदम धक्का दिया मेरे सर पे, फिर वो मार दिया। मेरी जैसे चीख निकली, मेरा 7 साल का लड़का बाहर आया, मेरे लड़का जैसा उसके सर पे उसने एकदम मार दिया। मेरे लड़के के मारने का, मम्मी 2 साल की लड़की उसके पीछे से आई ना, उसके मारने जैसे जा रहा, मेरे लड़के ने उसको धक्का दिया, फिर मेरे लड़के के सर पे फिर से वार करा उसने। क्या वजह थी इस, मतलब कोई वजह नहीं, वारदात की नहीं, मतलब किस वजह से? और ये शख्स है कौन आपका? मेरा देवर है, मेरा सगा देवर है, अभी मेरे पास में 2 महीना रह के गया है वो, अच्छे से, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं गांव जाने वाली थी, मेरा क्रिकेट था गांव जाने का दूसरे दिन का। अच्छा, तो पुलिस में आपने शिकायत की? हाँ, पुलिस ने, मैंने शिकायत दर्ज करा दी। अच्छा, क्या बोले पुलिस ने? पुलिस उसको ढूंढ रही, वो भाग गया, घर में नहीं है, भाग गया है, पता नहीं कहाँ। कितने आपके सर में कितने टाके आए हैं? मेरे सर में 6 टाके आए। अच्छा, और बच्चे के? मेरे लड़के के 7 टाके आए हैं। 7 टाके आए हैं। अच्छा, और आपके मिस्टर कहाँ थे उस वक्त? वो अपने शॉप पे थे। शॉप पे? अच्छा, तो कोई रंजिश या कुछ ऐसा नहीं? कुछ कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, वो लूटपाट के हिसाब से आया था वो। वो लेके, मैं गले में मंगलसूत्र पहन कर रखी थी, वो मेरा मंगलसूत्र खींच के लेके गया, गांव जाने वाले थे ना हम लोग, 50,000 रुपए में नगद रखा था, पैकिंग कर रही थी ना, मेरे पर्स में 50,000 रुपए निकाल के लेके गया। अच्छा, पैसा भी लूट के ले गया? हाँ, पैसा भी लूट के गया, और ऊपर से मेरे ऊपर वार करके गया। अच्छा, कुछ नशा वगैरह भी करता था? नहीं नहीं, नशा में नहीं था वो। नशा वगैरह नहीं, नशे में नहीं था वो। अच्छा, हाँ। जैसे आपने बचाया अपने आप को? मैं बचा रही थी, अब उसने हाथ में लिया ना, मोस्टली जैसे लिया ना, बोला जैसे उसने मुझे बोला ना मारूंगा तुम्हें, तो मैं बतेरा उसको छीनना चाहा, उसने मेरा गला पकड़ कर मुझे पलंग पे फेंक दिया, फिर एकदम उसने मेरा सर पे मार दिया। अच्छा। फिर मेरा लड़का जैसे आया ना, मेरी आवाज चीख निकली, मेरे लड़के के सर पे उसने मार दिया। पुलिस ने अभी क्या कहा है आपसे? पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है अभी, मगर मिला नहीं है वो, कार्रवाई कर रही है। तो जैसे कि देख सकते हो कि इनके ऊपर जो है, इनको तो कुदरत ने शायद इनकी जिंदगी दी थी इस बच्चे की, और इनकी इसलिए बच गए, नहीं तो जिस चीज से जो है इनके ऊपर हमला किया गया है जानलेवा, शायद वो बहुत मुश्किल था, ये आज कुछ मोड़ और ले लेता। तो ऐसे जो अपराधी हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, तो मेरी एक प्रशासन से भी अपील है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और इनको पकड़ के जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई, जो मतलब इन आगे ये वारदात को अंजाम ना दे सके। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।